गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने संधि के बारे में जाना था। पिछले जो दो वीडियो थे उसमें संधि की परिभाषा, संधि के भेद, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी और स्वर संधि के दो भेदों के बारे में हमने जान लिया था। अब स्वर संधि का तीसरा जो भेद है उसका नाम है यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। स्वर संधि का तीसरा भेद यण संधि। यण संधि इको यणची, इको यणची। इको यणची अर्थात सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर, इक के स्थान पर यण करना है। क्या करना है? यण करना है। संधि के नाम से ही पता चल जाता है कि क्या सूत्र लगेगा। यण, इको यणची। इक का मतलब, इक का मतलब होता है ई, उ, री, री। इक का मतलब हो गया ई, उ, री, री। यण, यण का अर्थ होता है य, र, य, व, र, ल। इका मतलब ई, उ, री, री, यानी कि इक जो वर्ण होते हैं उसमें कौन कौन से स्वर आते हैं। ये चार स्वर आते हैं इक के अंदर। कौन कौन से हैं? पहला ई, दूसरा उ, तीसरा री, चौथा ली। और यण के अंदर कौन कौन से आते हैं? व्यंजन य, व, र, ल। तो सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर यण करना है। इक के स्थान पर यण करना है अर्थात ई के स्थान पर हम क्या करेंगे? य। उ के स्थान पर हम क्या करेंगे? व। री के स्थान पर हम क्या करेंगे? र। और री के स्थान पर हम क्या करेंगे? ल। तो सूत्र के आधार पर हमने ये पता लगा लिया कि इक क्या है, यण क्या है, किसके स्थान पर क्या करना है। परिभाषा, सूत्र के आधार पर, सूत्र के आधार पर संहिता में इक वर्णों के स्थान पर, इक वर्णों के स्थान पर यण करना है, यण हो जाता है। क्या? यण हो जाता है। वह यण संधि होती है। परिभाषा क्या है यण संधि की? सूत्र के आधार पर, सूत्र कौन सा? इको यणची। इसके आधार पर संहिता में इक वर्णों के स्थान पर यण हो जाता है, वह यण संधि होती है। इक में बता चुका हूं मैं, ई, उ, री और ली, ये वर्ण आते हैं। यण में कौन से आते हैं? य, व, र, ल। अब परिभाषा और सूत्र के आधार पर हम इसके नियमों के बारे में, इसके नियमों के बारे में बताते हैं। इसके नियमों के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे चार वर्ण हैं, चार वर्णों के स्थान पर चार वर्ण हैं, तो इसके नियम भी कितने हो गए? चार नियम हो गए। तो यण संधि के, यण संधि के चार नियम
हैं। यण संधि के कितने नियम हैं? चार नियम हैं। एक बार वापिस देखें, यण संधि स्वर संधि का भेद है इको यणची। यण संधि का सूत्र है इको यणची। सूत्र क्या? सूत्र की अर्थात सूत्र की परिभाषा के जानते हैं तो इक के स्थान पर यण करना है, यानी कि जो इको यणची सूत्र है, इको यणची जो सूत्र है, इको यणची जो सूत्र है ये कहता है, इको यणची सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर यण करना है। क्या करना है? इक के स्थान पर यण करना है। अब हमने देख लिया कि इक कौन-कौन से हैं, यण कौन-कौन से हैं। इक में आगे ई ऊ री ऋ, ये कौन से वर्ण आ गए? इक वर्ण। और यण में कौन-कौन से आते हैं? य व र ल, य व र ल। तो इस प्रकार से ये निर्धारित हो गया है कि इक के स्थान पर यण होता है, ई के स्थान पर य करना है, ऊ के स्थान पर व करना है, री के स्थान पर र करना है और ऋ के स्थान पर ले करना है। परिभाषा सूत्र के आधार पर, इको यण सूत्र के आधार पर संहिता में बताया गया है कि इक वर्णों के स्थान पर हमेशा यण होता है, वही यण संधि मानी जाती है। यण संधि के चार नियम बताए गए हैं। पहला नियम औषधान देखते हैं। यण संधि का पहला नियम है हमारे पास में ई के स्थान पर य, ई के स्थान पर य। पहले नियम का पहला उदाहरण उदाहरण है हमारे पास में अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम। अब देखिए इधर, जैसे कि आपको पता है कि प्लस के पहले जो वर्ण होता है और प्लस के बाद में जो वर्ण होता है, इन दोनों में मेल होता है, वही संधि कहलाती है। तो प्लस के पहले यहाँ पे ती, ती में कौन सा स्वर लगा हुआ है? ईश्वर है, ईश्वर है। और ई के सामने कौन सा स्वर है? ऊ स्वर है। ई के सामने कौन सा स्वर है? ऊ स्वर है। तो नियम के अनुसार हमें क्या करना है? ई के स्थान पर हमें क्या करना है? य। ई के स्थान पर क्या करना है? हमें य करना है। अब देखें आगे कि अब हम इसका संधि बनाने का संधि पर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए को उतारते हैं अपन अ। अब चूंकि ते के अंदर ईश्वर लगा हुआ था, ते के अंदर कौन सा लगा हुआ था? ईश्वर लगा हुआ था। तो इस ईश्वर को हम निकाल लेते हैं तो ते क्या हो जाता है? हलन, हलन मतलब आधा हो जाता है। क्यों जाता है आधा? क्योंकि व्यंजन में से अगर स्वर निकाल लिया जाता है तो व्यंजन को क्या माना जाता है? आधा माना जाता है। तो अत ई के स्थान पर हमने क्या किया? य। ई के स्थान पर हमने क्या किया? य। और प्लस के बाद में क्या था हमारे पास में? उत्तम। क्या था? उत्तम। अब हम इसको मिलाएंगे तो ए के स्थान पर तो क्या होगा? ए। त
तय के आगे कोई स्वर नहीं है, तय के आगे कोई स्वर नहीं है, इसलिए तय आधा ही रहेगा। और यह के बाद में ऊ स्वर लगा हुआ है, यह के बाद में क्या स्वर लगा हुआ है, ऊ स्वर लगा हुआ है, तो यह के अंदर हम ऊ स्वर लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में यू, क्या बनेगा यू, और तमाम ऐसे के ऐसे अपन उतार लेंगे तो हमारे पास क्या शब्द बन के आता है, अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम बराबर अत्युत्तम। ठीक है, ये हमारा पहला उदाहरण था। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, नियम नंबर एक का दूसरा उदाहरण है हमारे पास में, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, देखें इधर वही इसी प्रकार से जो हमने पहले संधि बनाई है उसी के हिसाब से हम करते हैं इसको। सबसे पहले द, द में क्या स्वर लगा हुआ है, ई स्वर लगा हुआ है, और उसके आगे क्या है, अ स्वर है। ठीक है, अब ई के स्थान पर हम क्या करते हैं, ई के स्थान पर हम करते हैं य, क्या करते हैं य, ई के स्थान पर ये कर दिया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं यह क्या, यह ऐसे के हम इसको उतारेंगे। ठीक है, द में इसलिए हमने स्वर निकाल लिया है तो द क्या हो जाएगा, आधा व्यंजन, तो आधा द प्लस ई के स्थान पर हमने क्या किया य, और उसके बाद में क्या था अपि, क्या था अपि, यद प्लस यह प्लस अपि। अब देखिए इधर इसमें भी आगे एक नया जोड़ा गया है, देखो यहाँ पे द है और यहाँ पे यह है, द और यह, द प्लस यह, द और यह मिलकर क्या बनेगा, जो हमारे पास शब्द बनता है द और यह, तो क्या बनेगा यह, ये क्या है, ये द इसमें क्या है, संयुक्त व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है, वैसे तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जब दो वर्णों से मिलकर एक नया वर्ण बनाया जाता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पर एक तो द है और दूसरा हमारे पास यह है, द और यह मिलकर जो हमारे पास नया वर्ण निकलेगा वो बनेगा द, तो द क्या है यहाँ पे, संयुक्त व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। तो संधि में हम देखते हैं यह ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, अब द और यह मिलकर हमने क्या बनाया, द, तो हमारे पास क्या बनेगा, द, क्योंकि अभी तक हमने इसमें स्वर नहीं लगाया है इसलिए यहाँ पे दे आधा आएगा, और उसके बाद में है अपि। अब हम इसको मिलाएंगे, य दे में ए मिला दिया, दे पूरा हो गया, और उसके बाद में क्या था, पी, यद्यपि। तो इस प्रकार से हमारे पास तो यदि प्लस अपि बराबर क्या बना, यद्यपि। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसी नियम का तीसरा उदाहरण देखते हैं, तीसरा उदाहरण है हमारे यहां पे इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, कौन सा है अपने पास, इति प्लस आदि। अब देखिए इधर वही टी में से स्वर निकाला हमने, कौन सा स्वर निकाला, ई निकाल लिया, सामने क्या है आदि, ई ऐसे कैसे रहेगा हमारे पास में। अब तैबे से हमने स्वर निकाल लिया तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ई ऐसे कैसे रहेगा,
एम एस से स्वर निकाला तो हमारे पास क्या बच गया, आधा ग प्लस य प्लस आदि, इन तो प्लस ये प्लस आदि ई ऐसे के साथ आएगा, क्योंकि तय के आगे कोई स्वर नहीं है तो इसलिए तय क्या हो जाएगा, आधा नहीं रहेगा। और ये के आगे कौन सा स्वर लगा हुआ है, आ, कौन सा स्वर है आ, तो ये के अंदर आ था मिला दिया तो क्या हो गया या, और दी इत्यादि, तो इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। इसी प्रकार पहले नियम का हम चौथा उदाहरण लेते हैं। चौथा उदाहरण है इति प्लस अत्र, इति प्लस अत्र, वही नियम लगेगा। तय में से स्वर निकालेंगे ई, ई के स्थान पर हो जाएगा य, ई ऐसे कैसे, तय में से स्वर निकाल लिया तो तय आधा व्यंजन प्लस य प्लस अत्र ई, इसी प्रकार से ही रहेगा। तय के आगे कोई स्वर नहीं है तो तय आधा हो जाएगा, यह क्या के स्वर है तो क्या हो जाएगा य और त्र इत्यत्र। ये हमारे पहले नियम के चार उदाहरण है, उतारे इसको। यण संधि का दूसरा नियम, ओ के स्थान पर व, ओ के स्थान पर व, दूसरे नियम का पहला उदाहरण, दूसरे नियम का पहला उदाहरण अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। देखिए इधर यहाँ पे नेक के अंदर स्वर लगा हुआ है ऊस्वर, कौन सा स्वर लगा हुआ है ऊस्वर, ऊस्वर। ऊ के स्थान पर नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, ऊ के अनुसार नियम में हम करते हैं व, क्या करेंगे ऊ के स्थान पर हम क्या करेंगे व। ऐसे कैसे रहेगा, नैमे से हमने स्वर निकाल लिया, ऊ स्वर निकाल लिया तो न क्या हुआ आधा व्यंजन प्लस व प्लस अय। ऐसे कैसे रहेगा, जो भी स्वर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, न के आगे कोई स्वर नहीं है तो न क्या हो जाएगा आधा व्यंजन, और वह के आगे स्वर लगा हुआ है ए तो क्या हो जाएगा वह पूरा हो जाएगा, और उसके बाद में य तो क्या बना अन्वय, अनु प्लस है बराबर अन्वय। दूसरे नियम का दूसरा उदाहरण, सु प्लस आगतम, देखते ही पहचान लेते हो सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम, लेकिन ये नहीं पता है कि सु प्लस में स्वागतम कैसे बना, तो इसी प्रकार से हम सहमे से स्वर निकालेंगे ऊस्वर, बहुत ही सरल संधि है, सु प्लस आगतम देखते ही स्वागतम कर देते हो तुम तो। ऊ के स्थान पर हमने क्या किया व, क्योंकि सहमे से स्वर निकाल लिया तो सह हो गया आधा प्लस व प्लस आगतम। सह के आगे कोई स्वर नहीं है तो आधा सौ, वह के आगे आ स्वर है तो क्या हो जाएगा वह
अवगतम मिला देंगे स्वागतम। दूसरे नियम का तीसरा उदाहरण है मधु प्लस अरिही, मधु प्लस अरिही। इसी प्रकार से धैमे स्वर लगा हुआ है ऊस्वर, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा व, मैं पूरा आएगा। धैमे से स्वर निकालेंगे तो आधा ध, ओ के स्थान पर व और बाद में अरिही मिलाएंगे इसको। मैं ऐसे कैसे रहेगा, दे के आगे स्वर नहीं है, आधा ध, वह के आगे स्वर पह लगा हुआ है तो वह पूरा हो जाएगा। मधु प्लस हरी बराबर मधुबरी, मधु प्लस हरी बराबर मधुबरी। दूसरे नियम का चौथा उदाहरण गुरु प्लस आदेश, गुरु प्लस आदेश। रेमे स्वर लगा हुआ है ऊ, ऊ के स्थान पर व, रे से स्वर निकाला तो रे हो गया आधा, प्लस उ के स्थान पर वे किया प्लस आदेश। गु ऐसे कैसे कहेगा, रे ऐसे रे में आप लाएंगे तो क्या बनेगा वादेश। अभी ये पुनरावृत्ति पूरी तरह से नहीं बनी है संधि अभी, क्योंकि अब इसमें रह बाकी है। अगर हम सब इसको ऐसे ही कैसे लिखता है तो ये हमारे पास ये गलत माना जाएगा, तो इसको भी हम बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, वो ऐसे कैसे लिखेंगे, रह के आगे कोई स्वर नहीं है, रह के आगे कोई स्वर नहीं है तो रह अगले वाले व्यंजन के ऊपर मात्रा के रूप में लग जाता है। तो अगला वाला व्यंजन कौन सा है वाह, तो बाकी ऊपर रह रख दिया तो क्या बन गया ये गुरुवा, और देश ऐसे कैसे तो शब्द क्या बनेगा हमारे पास में गुरुवा देश। उतारने चार उदाहरण दोबारा देख लें एक बार। गुरु प्लस आदेश, गुरु में ऊ के स्थान पर व, गुरु प्लस व प्लस आदेश, रह के आगे कोई स्वर नहीं है और अगर रह को हम ऐसे कैसे लिखते हैं तो वो शब्द गलत माना जाता है, इसलिए आधे रह को अगले वाले व्यंजन के ऊपर मात्रा के रूप में हम लगा देते हैं तो बनता है गुरुवा देशः। यण संधि का तीसरा नियम, तीसरा नियम था री, ऋषि वाले री के स्थान पर हम क्या करेंगे र, क्या करेंगे र। पहला उदाहरण पितृ प्लस ए, पितृ प्लस ए, ते के अंदर ऋषि वाले र की मात्रा लगी हुई है तो निकाल लेंगे हम, तो उसके स्थान पर क्या बनेगा र, स्थान पर क्या हो जाएगा र। ज
जब मात्रा निकालेंगे इसी वाले रह की, तो पी ऐसे कैसे रहेगा, तय में से इसी वाले रह निकाल लिया तो तय आधा प्लस रिक के स्थान पर हमने क्या किया र, और उसके बाद में क्या था ए, क्या था ए। तो देखिए इधर पी तो र प्लस ए, पित प्लस र प्लस ए। अब देखिए इधर आगे यहाँ पे तो आधा है और उसके आगे र भी आधा है, तय आधा आधा व्यंजन, र भी आधा व्यंजन, दोनों आधे व्यंजन हैं। अब तय और र दोनों मिलके इसका निर्माण करते हैं त्रय का निर्माण करते हैं, इसका निर्माण करते हैं त्रय का निर्माण करते हैं, और ये त्रय क्या माना जाएगा, संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो संधि आगे बनती है पी त्र प्लस ए, पित्र प्लस ए, मिलाएंगे इसको तो हमारे पास क्या बनेगा पित्रे, क्या बनेगा पित्रे। दूसरा उदाहरण यण संधि के तीसरे नियम का दूसरा उदाहरण है मातृ, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। देखिए इधर तय के अंदर ही, तय के अंदर ही रिक्त स्थान पर क्या हो जाएगा र, रिक्त स्थान पर क्या हो जाएगा र, मा ऐसे कैसे लिखा जाएगा, तय में से हमने री निकाल लिया, री स्वर निकाला तो आधा त प्लस र प्लस आज्ञा, मात प्लस र प्लस आज्ञा। देखें इधर मा तय और र मिलकर क्या बनता है त्र, मातृ प्लस आज्ञा। तो हमारे पास क्या शब्द बन के आता है मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। तीसरे नियम का तीसरा उदाहरण धात्री प्लस अंश, धात्री प्लस अंश क्या है, धात्री प्लस अंश, तय में से विषय वाला री के स्थान पर र, धा आधा त आधा र प्लस अंश, वही धा तय और र मिलकर क्या बना त्र प्लस अंश, धातु प्लस अंश बराबर धात्रंसह। तीसरे नियम का चौथा उदाहरण मात्री प्लस आदेश, मात्री प्लस आदेश, वही तय में से री स्वर निकालेंगे, री के स्थान पर हम करेंगे र
मा आधा त आधा र प्लस आदेश ह, वात प्लस रह प्लस आदेश ह, मा तय और रह मिलके क्या बना, त्र प्लस आदेश, मात्र प्लस आदेश बराबर मात्रा देश हो। इस प्रकार से यट संधि के तीसरे नियम के चार उदाहरण पूरे हो गए हैं। अब उसके बाद में एक नियम और बचा है यट संधि का, वह भी हम देख लेते हैं। चौथा जो नियम था वह था री के स्थान पर क्या करेंगे, ल, री के स्थान पर क्या करेंगे, ल। पहला उदाहरण री प्लस आकृति, री प्लस आकृति ही, री के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल, और उसके सामने क्या था, आकृति, तो क्या बन गया ये लाकृति। दूसरा उदाहरण है री प्लस आकार, री प्लस आकार, री के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल प्लस आकार मिला देंगे इसको, क्या बनेगा हमारे पास में, लाकार। तीसरा है री प्लस अनुबंध, री प्लस अनुबंध, देखें इधर में क्या था, री, री के स्थान पर क्या हो जाएगा, री था उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ल प्लस अनुबंध, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लनुबंध। चौथा है री प्लस आदेश, री प्लस आदेश, री के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल प्लस आदेश बराबर लादेश। इस प्रकार से यण संधि के चारों नियम के उदाहरण आपने देखे हैं और समझ भी गए होंगे कि किस प्रकार से इन उदाहरणों के विच्छेद करके इनको अपन एक संधि पद बना सकते हैं। जो भी नियम थे उच्चारण नियम के आधार पर हमने उदाहरण लिखे हैं, उदाहरण के आधार पर यह संधि समझ में आ गई होगी। अगली जो संधि है हमारे पास में स्वर संधि की, चौथा रूप है वह है गुण संधि। कौन संधि, गुण संधि। स्वर संधि का चौथा भेद कौन सा है, गुण संधि।
सूत्र है इसका आग गुणा, क्या सूत्र है आग गुणा, सूत्र कहता है आ इत्यादि स्वरों के सामने यदि कोई असमान स्वर आता है तो उसे गुण एकादेश हो जाता है। गुण संधि सूत्र को देखते ही पता चलता है कि गुण लगा हुआ है। गुण लगा हुआ है तो मतलब कौन संधि हो गई, गुण संधि। जैसे कि पिछले जो सूत्र लगे हुए थे उसमें हमने सारे सूत्रों के बारे में बताया था कि अकार सवर्ण दीर्घ उसके लिए दीर्घ संधि, उसके बाद में एचओ अयादि संधि। अभी पिछली बार जो हमने जो संधि करी थी वो थी यण संधि, तो उसमें यण थी। इसी प्रकार इसमें गुण लगा हुआ है तो आग गुण से कौन संधि हो गई, ये गुण संधि हो गई। कहते हैं कि आ इत्यादि स्वरों के सामने यदि कोई असमान स्वर आ जाता है तो उसको क्या कर देंगे, हम गुण एकादेश कर देते हैं। इस संधि के कुछ नियम है वो निम्न प्रकार से है। पहला नियम ए आ प्लस ई बराबर ए। दूसरा नियम ए आ प्लस ऊ बराबर ओ। तीसरा नियम ए आ प्लस वी बराबर अल। इस प्रकार से तीन नियम तो ये हो गए हैं। चौथा जो नियम है ए आ प्लस बी बराबर अर। इस प्रकार से चार नियम है। ए आ के बाद में यदि ई ई हो तो उसको हम क्या कर देंगे, ए गुण एकादेश, एकादेश हो जाएगा। ए आ के बाद में यदि ऊ है तो हम क्या कर देंगे, ऊ। ए आ के बाद में यदि री है तो क्या हमारे पास कर जाएगा, अल। और ए आ के बाद में अगर हमारे पास में री है तो उसको हम क्या कर देंगे, अर। इस प्रकार से गुण संधि के चारों नियम है। इन चारों नियम के हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।